नमस्ते स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आज का विचारों का ई विनिमय, अर्थात जो विचार होते हैं उनका हम ई विनिमय यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से किस तरह से आदान प्रदान करते हैं। सामान्य तौर पर ये एक साधारण शब्द है विचारों का ई विनिमय। आज का जो समय है इसमें इस बात से कोई भी हम बोल सकते हैं कि जानकारी से अछूता नहीं है, सभी लोग इस जानकारी को जानते हैं। लेकिन हम इस विचारों के ई विनिमय को शैक्षणिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षण जगत में आज जो समय की परिस्थिति है उसमें जो ई विनिमय है वो किस तरह से कारगर साबित हो रहा है और सफल रूप से सामने आ रहा है, इसके बारे में हम समझेंगे। विचारों का ई विनिमय हम इसको साधारण तौर पर जानेंगे कि जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक् ति के साथ संपर्क साधा जाता है इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, कंप्यूटर का प्रयोग करके, अपने मोबाइल फोन का प्रयोग करके, तो वो विचारों के ई विनिमय के अंतर्गत आता है। इसी ई विनिमय के अंतर्गत हम हमारी जो शैक्षणिक जो क्रियाकलाप है उसको भी बहुत अच्छे से सफल बना सकते हैं। यह हमारे ई विनिमय के अंतर्गत हमारे समय और धन दोनों का व्यय, दोनों की बचत करता है। साधारण तौर पर हम जानेंगे कि ई विनिमय का प्रयोग करते समय हमको दो माध्यमों का प्रयोग करना है। एक तो वह माध्यम जिससे हम चैटिंग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। दूसरा माध्यम है जो ऑनलाइन जो अपने वीडियो चैट करते हैं, वो दूसरा माध्यम है जो भी एक सफल है। इसके अंतर्गत हम सामने वाले के हाव भाव, एक्सपीरियंस जो भी होते हैं उसको समझकर उसकी जानकारी को समझ सकते हैं और एक दूसरे से आसानी से वार्तालाप कर सकते हैं। तो आज का जो समय है उसमें जो ई विनिमय है ऑनलाइन तरीके से वो काफी सफल साबित हो रहा है और घर बैठे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जानकारी को प्राप्त कर रहा है और अपनी जानकारी प्रदान भी कर सकता है। आज YouTube जैसे चैनल के माध्यम से काफी शैक्षणिक गतिविधियों संबंधित जो भी जानकारी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से हम हमारी जानकारियों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और जो WhatsApp और Twitter जैसी बहुत सी ऐसी जो माध्यम है उसका प्रयोग करके हम हमारी जानकारियों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरी जानकारियों को हमारे तक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के समय में जो ई विनिमय है वो शिक्षण जगत में काफी जो सफल साबित हो रहा है। तो आइए हम इस ई विनिमय को जानते हैं। विचारों का ई विनिमय, जैसा कि हमने जाना कि जो देश की जो परिस्थितियां है वर्तमान समय में, जो विश्व की जो परिस्थितियां आ रही है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर, उसमें हम जानेंगे कि शिक्षण करने में काफी कठिनाई आ रही है। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन सरकार ने और कहीं ना कहीं जो शिक्षण जगत ने काफी इसके लिए प्रयास किए है और घर बैठे शिक्षण का जो है वो एक विकल्प सामने लाया है। ऑनलाइन जो मटेरियल है वो हमको आसानी से उपलब्ध हो रहे, ऑनलाइन शिक्षण की वीडियो हमको आसानी से उपलब्ध हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये ई विनिमय के अंतर्गत आती है जहाँ पर हम विचारों को आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम अब जानते हैं कि शिक्षक के लिए ऑनलाइन चैट के क्या लाभ है, एक शिक्षक के लिए इसका क्या लाभ है। आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हो, आने वाले समय में शिक्षक बनोगे, तो इसके लिए इस ऑनलाइन चैट के क्या लाभ है। सामान्य तौर पर इसका सभी अर्थ जानते हैं, लेकिन हमको इसके बारे में एक अच्छे से ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है। जैसे पहला है कंप्यूटर व इंटरनेट का ज्ञान जिससे जीवन में उपयोगी। आज के समय में हम अधिकतर तौर पर मोबाइल का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम जो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कंप्यूटर से हुआ था और कंप्यूटर से इंटरनेट आया था। तो इस कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग करने से जब हम चैट का प्रयोग करते हैं तो हमको जो कंप्यूटर का जो वास्तविक जो नॉलेज है वो प्राप्त होता है और उस वास्तविक नॉलेज को हम कंप्यूटर को हम जीवन में किस तरह से उपयोगी करना है, हम इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। दूसरा है ऑनलाइन चैट से धन अधिक व्यय नहीं होता है। आज के समय में एक बार में हमको इंटरनेट का रिचार्ज करना पड़ता है और हमको असीमित इंटरनेट के जो फैसिलिटी है, सुविधा है, वो हमको उपलब्ध हो जाती है। तो हमको एक बार पैसा खर्च करने के बाद अपने जो धन है बार बार अधिक व्यय नहीं करना पड़ता और हम अपने ऑनलाइन चैट से आसानी से कार्य कर सकते हैं। अगला है विषय के विभिन्न विद्वानों की जानकारी का लाभ।
इस ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो विषय के जो विभिन्न विद्वान हैं उनकी जानकारियों को हम प्राप्त करते हैं, उनके आर्टिकल्स को प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा लिखे गए लेखों को प्राप्त करते हैं। इस तरह से हमको विभिन्न विद्वानों के जो है जानकारियों का लाभ मिलता है और उन लाभों को प्राप्त करके हम हमारे जो शिक्षण है, हमारे जो ज्ञान है उसको काफी वृद्धि कर सकते हैं और उसमें काफी नवाचार और बदलाव भी ला सकते हैं। तो विषय के विभिन्न विद्वानों की हमको जानकारियां प्राप्त होती है। अगला है, टाइपिंग कला में निपुण शैक्षणिक कार्य कर सकता है। हम इस ऑनलाइन विनिमय में टाइपिंग कला में निपुण हो जाते हैं, हमारी जो टाइपिंग है वो काफी अच्छी हो जाती है और इसी टाइपिंग कला को हम हमारे शैक्षणिक कार्य में भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई फाइल का निर्माण करना, कोई कंप्यूटर पे कोई ऐसा कार्य करना है, कोई भी ऐसी जो शैक्षणिक कार्य हम कर सकते हैं जैसे कि टाइम टेबल का निर्माण करना वगैरह, यानी कंप्यूटर का प्रयोग हम हमारे जीवन में, हमारे शिक्षण में कर सकते हैं जब हमको हमारे टाइपिंग कला में निपुणता आएगी। हम कोई ऐसा पत्र निर्मित कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। अगला है, लिखित विचारों को स्थायी रूप से सेव कर सकते हैं और कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके जो हमको विचार प्राप्त होते हैं लिखित रूप से, उन लिखित विचारों को हम कंप्यूटर और जो भी हमारे माध्यम है उसमें सेव कर सकते हैं और उसको हम जब जरूरत पड़ती है उस जरूरत के हिसाब से उसको पढ़कर और हम उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद रूप से साबित हो सकता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क साधना। इस कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके हम जो जानकारी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम संपर्क साधते हैं, हम एक देश से दूसरे देश के जो भी विद्वान है, जो जानकार है उनके उनसे हम संपर्क साध सकते हैं, उनके जो नॉलेज है उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी फायदा मिला है, प्लस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जो भी हमारे संबंधित जो मिलने वाले होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनसे भी संपर्क साध सकते हैं। और एक स्टूडेंट जैसे मान लीजिए 12 करने के बाद विदेश में चला गया और उसको अपने गुरु, अपने जो शिक्षक है उससे कोई हेल्प लेनी हो या उसकी कोई राय लेनी है तो वो अपने इस इंटरनेट का प्रयोग करके भी अपने शिक्षक से राय सलाह मशवरा कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान समय में विचारों का जो विनिमय है इसका हमारे शिक्षण और शिक्षक के लिए किस तरह से फायदा है। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि विचारों का ई विनिमय क्या है और शिक्षण के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है। हम व्हाट्सएप, जो फेसबुक होते हैं, जो मेल्स होते हैं, जो भी जीमेल वगैरह होते हैं, तो ट्विटर, इनका प्रयोग हम शिक्षण के तौर पर करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आज के समय में घर बैठे बैठे जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन कोचिंग्स चल रही है, ये हमारे जीवन में काफी सफल सिद्ध हो सकता है और हम एक ही जगह पर बैठे बैठे हम काफी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। आपका गृह कार्य है, शिक्षकों के लिए ऑनलाइन चैट के लाभ बताइए।